दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप देख रहे हैं त्योहार स्वादों का। मैं हूं शैवरपाल सिंह सोखी। स्वादों का त्योहार में क्या होता जी, मौज मस्ती, परिवार के संग मिलना जुलना और दोस्तों के संग मस्ती। और मैं त्योहार के लिए बहुत सुंदर सी रेसिपी लेके आया हूँ, नाचनी बर्फी। और ये अनोखी है क्योंकि आप घर पे बना सकते हैं और परिवार को खिला सकते हैं। थोड़ा सा इंडल्जेंस है लेकिन कई सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। और जहाँ इंग्रेडिएंट्स की बात आती है और अच्छे इंग्रेडिएंट्स की बात आती है तो आपको जाना चाहिए रिलायंस फ्रेश बढ़िया इंग्रेडिएंट्स के लिए। क्या करना है, सबसे पहले ये कढ़ाई में घी ये लीजिए, फटाफट घी डाल लें, बढ़िया 3 बड़े चम्मच घी डाल लें। और इसमें हम डालेंगे थोड़े से नट्स, ये भी अलाउड है त्यौहार में, बिल्कुल अलाउड है जी। यहाँ पे असॉर्टेड नट्स मैंने यूज़ कर लिए, बादाम, पिस्ता, काजू, ये सारी चीज़ें चॉप करके मैंने डाले हैं ताकि बर्फ़ी में थोड़ा सा क्रंच आए। और ये बर्फ़ी अनोखी इसलिए है क्योंकि इसमें नाचनी का आटा है। आहा, बादाम और नट्स थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं, इसमें नाचनी आटा ये लीजिए। ये आटा इतना हेल्दी है पूछिए मत, इसके गुण बहुत होते हैं। एक तो ग्लूटेन फ्री, दूसरा हेल्दी, इसलिए थोड़ा सा इंडल्जेंस अलाउड है। इसको मैं थोड़ा सा भून लेता हूँ। नाचनी आटा जैसे ही भून जाए तो मैं गैस बिल्कुल कम कर देता हूँ। अब इसमें जो चीज़ें डलेंगी ना वो देख के आपको लगेगा कि ये तो वाकई हेल्दी है। इसमें डालेंगे हम गुड़, नो शक्कर, बिकॉज गुड़ इज़ गुड। फीलिंग जो है ना इंडल्जेंस वाली वो तो बनी रहेगी लेकिन गिल्टी फीलिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। गुड़ डाल के बस मैं चलाते रहूँगा, इतनी गर्माहट में गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। आप घर पे अगर गैस पे कर रहे हैं तो गैस इस वक्त बंद कर दीजिए, बर्तन अगर गर्म है, क्योंकि गुड़ अगर पक रहा होगा तो बहुत टफ हो जाएगा, पकते पकते फज बन जाएगा। ये लीजिए, बढ़िया मेल्ट हो गया गुड़, थोड़ा सा खोया ये लीजिए। एक और बढ़िया इंग्रेडिएंट, पीनट बटर। आहा, क्या बात है। सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से, जितनी हीट है उसमें ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएंगी। ये लीजिए, ये बिल्कुल बढ़िया बर्फी तैयार हो गई। आपके घर में जो भी आएगा और इसे खाएगा तो लगेगा कि अरे फज बन गई है, लेकिन आपने बनाई है हेल्दी चीज़। सेट करने के लिए मैं इसे इसमें निकाल लेता हूँ। और मैं इसे बढ़िया सेट कर लेता हूँ। मैंने जो बर्फी है वो थोड़ी सी ठंडी करने रख दी है और तब तक आमंड चॉप कर लेते हैं। बर्फी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसके ऊपर मैं ये आमंड्स ये डाल देता हूँ। इसके साथ साथ मेरे पास चॉकलेट वर्मिसली है, वो डाल लेता हूँ ये लीजिए। और इसको हल्का सा प्रेस कर देते हैं। अब त्यौहार में बढ़िया चीज़ें बनाना घर पे कितना आसान है। अब नाचनी बर्फी अगर परिवार को बना के खिलाएंगे तो परिवार कहेगा वाह, इसमें एक तो इतने सारे गुण और इंग्रेडिएंट्स भी इतने बढ़िया और खाने में स्वादिष्ट। अजी, इंग्रेडिएंट्स का नाम आता है तो बस रिलायंस फ्रेश जाएं, बढ़िया इंग्रेडिएंट्स लेके आएं और अपने परिवार को बढ़िया बढ़िया चीज़ें इस त्यौहार में बना के खिलाएं।